of the town of the year, Abhishek Malhan. Well done, buddy. कुछ भी करना, बिग बॉस के घर में मत जाना बस. I don't know, मतलब बिग बॉस के घर जाने से पहले लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, बट अब मास्क के बिना कहीं मैं जा नहीं सकता. और मास्क के साथ भी कहीं जाता हूँ तो बहुत लोग पहचानते हैं, तो इट्स लाइक बहुत ज़्यादा प्यार दिया है लोगों ने, एंड आई लव एवरीवन. पांडा गैंग ओपी. अभिषेक मल्हान को बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के बाद मिला है उनका पहला अवार्ड. जी हाँ, नजर आए अवार्ड नाइट में. आखिर कौन सा अवार्ड मिला है अभिषेक मल्हान को, बताएंगे आपको हमारे चैनल टेली न्यूज में. लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के रनर अप यानी कि अभिषेक मल्हान, जिन्होंने काफी दिल जीते हैं, आजकल हर जगह ट्रेंडिंग में रहते हैं. चाहे बात करें यूट्यूब की, ट्विटर की या इंस्टाग्राम की, अभिषेक मल्हान हमेशा टॉप पे नज़र आते हैं. तो अब कौन सा अवार्ड मिला है अभिषेक को? जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभिषेक मल्हान फिलहाल गोवा में है और काफ़ी लोग को लग रहा था कि ये म्यूज़िक वीडियो की शूटिंग के लिए गोवा गए हैं, लेकिन असलियत में तो ये अवार्ड नाइट में शामिल होने के लिए गोवा गए हैं. अभिषेक मल्हान के भाई यानी कि निश्चय मल्हान को यूट्यूबर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है. अभिषेक मल्हान एग्जिबिट मैगजीन के द्वारा इन्फ्लुएंसर अवार्ड ऑफ द ईयर के अवार्ड नाइट में शामिल हुए थे, जहां पर उन्हें अवार्ड मिला है टॉक ऑफ द टाउन का. जी हां, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उनके फैंस ने उनके लिए ट्रेंड भी करवाया था टॉक ऑफ द टाउन. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मल्हान फैमिली हर जगह रूल कर रही है, तो ये अवार्ड मिला अभिषेक मल्हान को टॉक ऑफ द टाउन, वो भी सबसे ज्यादा हूटिंग के साथ. जी हां, ये अवार्ड सबसे आखिरी में दिया गया, जिसके बाद अभिषेक से कुछ शब्द बोलने को कहा गया, तो उन्होंने कहा कुछ भी करना है बट बिग बॉस में कभी मत जाना. आप कितने खुश हैं अभिषेक मल्हान के लिए इस अवार्ड के लिए, कमेंट्स में बताइए. बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.